नांदेड़ शहर से मुत्तसिल वाजेगांव एक बड़ी ग्राम पंचायत के तौर पर जानी जाती है। वाजेगांव को कांग्रेस के गढ़ के तौर पर भी याद किया जाता है। ग्राम पंचायत पर भी कांग्रेस का गलबा है। पिछले अरसे से नायब सरपंच शेख महबूब ने बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाकर सरपंच जमील अहमद अमीर हमजा के खिलाफ महाज खोल रखा है। शेख महबूब का इल्ज़ाम है कि सरपंच जमील अहमद और उनके हामी दीगर अराकीन ग्राम पंचायत ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों तामीराती कामों और सरकारी स्कीमात की रकमों में खुर्द बुर्द की है। शेख महबूब का इल्ज़ाम है कि जमील अहमद और उसके साथियों ने लाखों रुपए गबन किए हैं। इस बात को लेकर शेख महबूब ने अखबारबाजी के अलावा अदालती चाराजोई का रास्ता भी अपनाया। दूसरी जानब सरपंच जमील अहमद ने इन इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए शेख महबूब पर जवाबी हमला बोलते हुए इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वाजेगांव की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। जमील अहमद का कहना है कि करप्शन मामले में किसी भी तरह की तफ्तीश के लिए वो तैयार है। नायब सरपंच से इंतकाम लेने गर्ज से सरपंच अमीर हमजा ने नायब सरपंच के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया। चुनांचे नांदेड़ के तहसीलदार करण अम्बेकर की निगरानी में ग्राम पंचायत का एक इजलास मुनाकिद किया गया। 13 अराकीन ने ग्राम पंचायत ने तहरीक के अदम एतमाद की राय दही की, जबकि 3 अराकीन ने तहरीक के खिलाफ वोट दिया। एक रुकन ने ड्रामाई तौर पर इजलास से कबल इस्तीफा दे दिया। इस तरह नायब सरपंच को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख महबूब ने महकमा महसूल के आला अफसरान पर भी साजिश शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया। उप सरपंच के ऊपर अविश्वास ढलाने की, 30-50% महिला है हमारे पास ग्राम पंचायत, 17 में 9 महिला है। महिला को विश्वास में नहीं लेने की वजह से, हम मैं ओबीसी का सरपंच होने की वजह से, ये जो कामों में अड़थड़े लाने की वजह से, जो भी हफ्ते वसूली करते हैं आरटीओ के हफ्ते वसूली करते हैं और इलीगल हफ्ते वसूली करते हैं, हम गाँव वालों का उसको विरोध है, ग्राम पंचायत सदस्यों का उसको विरोध करने के बाद उन्हें हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा के समझो काम में अड़थड़े लाने का, विकास काम में अड़थड़े लाने का, ऐसे काम करने की वजह से हम ग्राम पंचायत सदस्य 17 में से हम 14 जन एक जगह जमा हुए, मीटिंग कॉल करे 17 सदस्यों ने कि अपने को क्या करना है। तो सब सदस्यों का मन था कि भाई उप सरपंच के ऊपर अविश्वास उठा लेंगे अपन, जो विकास के लिए लोगों ने चुन के दिया है इनको, तो इन्हें विकास रोक रहे हैं, इसके लिए इनको अविश्वास उठा अपने लाना जरूरी है। विकास कामों जो चौकसी होंगी उसका होगा वो, ये इस कारण ये है कि वो जो उनका मैंने निकाला छुरी के खमा, तो उस वास्ते उन्होंने करे उनकी एक तारीख हमने उनका ये डाले केस करे कलेक्टर ऑफिस में, तो उसकी तारीख 22 तारीख थी सर, 22 तारीख की थी बोल के उसलिए उन्होंने पहले ही अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करके मेरे को निकाले। उनके ऊपर आरोप ये है कि जो भी आए बोले स्कीम के पैसे का कोई बताते नहीं कुछ नहीं, पूरा गबन पैसे कम से कम 4-4, 8-8 लाख 14 लाख एक ऐसे गरीब आदमी के नाम पर चेक उठा लिए उन्होंने। अब उसका मैं पूछने का तो तुमको उन्होंने पूछने वाले बोले, मैंने उसका बैंक का स्टेटमेंट काट के उनका पूरा जो जो पोल है वहाँ का पूरा खोला, उनके खुद के नाम पे 2,40,000 उठाए और उसके बाद में दूसरे एक है सदस्य उन्होंने लाख लाख रुपए उठाए। अब वो हमने क्या करे उसका जो केस बना के वकील के जरिए से कलेक्टर ऑफिस को पेश कर दिए, तो हमको तारीख मिली 22 और 22 तारीख को ये उतरते बोल के उनको क्या मालूम है कि उप सरपंच के पास कार भरा था, इसलिए उन्होंने क्या करे पहले हमको अवश्य उतारे। नहीं सर वो उसमें कुछ भी नहीं, मैं भी ओपन हूँ वो भी ओपन है, उन्हें तो भी ओपन होके ओबीसी का कार्ड बना के सरपंच बना तो भी हम उसको कुछ नहीं बोले और हमारा उसमें कोई कारोबार नहीं, उप सरपंच के कहीं सही लगते नहीं कुछ भी नहीं, जो भी है तो काम कर दे। नहीं नहीं कामों मेरे से कैसे अड़थड़ लगेंगे सब, पूरे उनके मनमानी है वो, कहीं काम कर रहे तो कुंता बोलते कि जिला परिषद का है, जैसा इसमें का 14 में काम रहता वो बोलते कि मैं 14 जिला परिषद का कर रहा हूँ और इधर गए कि फिर वो काम आपके पैसे बिला उठा देते। अब फीस बिला पूछने गए तो बोलने को राजी नहीं, जाओ तुमसे क्या होता कर लो, क्या होता कर लो। अब इसको ऐसे को क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं लोगों को बोला कि मुझसे क्या ऐसा तो लोग बोलते तुम भी पैसे खाने मांगने करके, इसलिए मैंने लेके काढ़ा, लेके काढ़ के सबको मैं पेपर में बता दिया सर मेरे को। अगला क्या प्रोग्राम है अगला प्रोग्राम सर? अब मैं तो अभी और अभी 14 के 85 लाख रुपए वाले हैं, मैं ये जनरल खाते का काढ़ा, तो उसमें का मैं अब उसके पीछे पूरा काम करूँगा और पूरा मैं पूरा करके गाँव का गरीबों का पैसा उसको मैं निखाने दूंगा। आज जो सरकार ने अपनी योजना दी कुछ तो भी ये अपने जैसा विकास करो, ये करो, ये विकास कुछ भी नहीं करता, जाके ठकेवारी से बोले मैं पैसे लेके आ रहा हूँ जैसा हमने गुत्तेदार के अपने आमदार के पास से निधि में से और वो काम बता रहा और ये पैसे उठा खा रहा, ये पूरा है सब पूरा लेके है, कोई मुंह भी नहीं कुछ नहीं।